और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 219 की। केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार देश में राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन का फैसला किया गया। पहली बार हुए इस आयोजन का उद्देश्य देश के जनजातीय समुदायों को आपस में जोड़ना, उनके सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करना और उनके हुनर को देश के सामने लाना है। सन 2015 में पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद 2016 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हुए। महोत्सव में लोकगीत, लोक नृत्य और प्रदर्शनियों के जरिए जनजातीय समुदायों की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। सन 2017-18 और 2019 में इसे आदि महोत्सव का नाम दिया गया। गौरतलब है कि देश भर के जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक वैविध्य को पहली बार किसी सरकार ने सामने लाने का प्रयास किया।